हेलो गाइस, माय नेम इज आरके यादव। अपना डेटा एडवांस कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में कंपेयर ग्रुप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। उसके लिए विंडो कीबोर्ड में विंडो आर प्रेस करेंगे। रन कमांड हमारा ओपन हो गया है। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे विंडो वर्ड WINWORD। ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे। हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया है। अब हम ये हमारा रिव्यू टैब है, इसके अंदर ऑप्शन हमारा कंपेयर और शो सोर्स डॉक्यूमेंट, ये हमारा हिडन है। कंपेयर पे हम क्लिक करेंगे, इसके अंदर ऑप्शन है कंपेयर और कंबाइन। इसकी शॉर्टकट की है कंपेयर की, ऑल्ट प्लस आर प्लस एम प्लस सी। पहले हम माउस से क्लिक करके बताएंगे, ये हमारा बॉक्स ओपन हो गया है। अब हम शॉर्टकट की से बताएंगे, ऑल्ट प्लस आर एम प्लस सी, ये हमारा कंपेयर डॉक्यूमेंट का बॉक्स ओपन हो गया है। ये लिखा है ओरिजिन डॉक्यूमेंट, तो हम पहले ओरिजिन फाइल इसमें सर्च करेंगे जो हमने पहले सेव कर रखी है। हम ये लिखा है रिवाइज डॉक्यूमेंट, जो डुप्लीकेट फाइल हमने इसमें सेव कर रखी है। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे यस या नो, तो हम यस करेंगे, तो ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। ये लिखा है कंपेयर डॉक्यूमेंट और ये लिखा है ओरिजिन डॉक्यूमेंट और ये लिखा है नीचे रिवाइज डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट फाइल। ये भाई ओरिजिन फाइल है। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, किसी फाइल या डॉक्यूमेंट की तुलना करना। हमने जो एडिट किया है वो इधर रहा और ये फाइल हमारी इधर रही। रिवाइज वाली फाइल ये हमारी नीचे है डुप्लीकेट। अगर अभी हमारा सो सोर्स और डॉक्यूमेंट, ये हमारा कमांड ओपन हो गया, हाईलाइट हो गया है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हाइड सोर्स, सो ओरिजिनल, सो रिवाइज, सो बोथ, ये हमारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम हाइड सोर्स, इस पर हम क्लिक करेंगे हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट पर। हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट पर इसकी शॉर्टकट ही है हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट की, ऑल्ट प्लस आर प्लस ओ प्लस एच। शॉर्टकट किसे बताएंगे हम आपको, ऑल्ट प्लस आर ओ प्लस एच, तो ये हमारा हाइड हो गया है। अगला ऑप्शन है इसमें शो ओरिजिनल, हमारी जो फाइल ओरिजिनल है वो शो हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की है सो ओरिजिनल फाइल की, और प्लस आर प्लस ओ प्लस ओ, और प्लस आर ओ प्लस ओ, तो ये हमारी ओरिजिनल फाइल शो हो गई है। अगला ऑप्शन हमारा इसमें सो रिवाइज, जो हमने रिवाइज किया था अब वो फाइल शो होगी। सो रिवाइज की शॉर्टकट की है ऑल प्लस आर प्लस ओ प्लस आर, ऑल प्लस आर ओ प्लस आर, तो ये भाई रिवाइज वाली फाइल शो हो गई है और ओरिजिनल फाइल हमारी शो नहीं है। अगला ऑप्शन है इसमें शो बोथ, हमें दोनों फाइल शो करनी है।
इसकी शॉर्टकट ये है, ऑल प्लस आर प्लस ओ प्लस बी, हम शॉर्टकट किसे बताएंगे, ऑल प्लस आर ओ प्लस बी। तो ये हमारी दोनों फाइल शो हो गई हैं, ये हमारी ओरिजिनल फाइल है और नीचे रिवाइज फाइल है। अगला है इसी में कॉम्बाइन, कॉम्बाइन का मतलब होता है जोड़ना, तो हम उसके लिए नया पेज लेंगे, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे और हम पहले से सेव की फाइल को ओपन कर सकते हैं या फिर हम नया फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू आर ए एन डी रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, अब हम फाइव लाइन का पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हमारी ओरिजिनल फाइल है, इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे, ये हम डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। ओरिजिनल और ये बल के नाम से सेव करेंगे, यहां पर इसको हमने सेव कर दिया। अब हम नया पेज लेंगे एक और, इसमें से इसको हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको हम कॉपी करेंगे और इस वाले हम पेस्ट कर देंगे। अब इसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे, उसके लिए हमने टैब को सिलेक्ट किया और हम रिव्यू टैब में जाएंगे, ट्रैक चेंज ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे, तभी हमारा काम करेगा। अब इसको हम डिलीट करेंगे और ब्लॉक्स को इसमें एस डिलीट करेंगे और हम यू को हम बोल्ड करेंगे, होम टैब में जाकर के इसको हमने बोल्ड कर दिया और हम इसको हम डिलीट करेंगे और हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और रिव्यू टैब में इसको हम न्यू कमेंट, इसको हम फाइल बोलते हैं, और हम स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम कमेंट दे दिया और हम नीचे अपने सेंटर का नाम डाल देंगे। मैंने अपने सेंटर का नाम डाल दिया है, अपना डेटा एडवांस कंप्यूटर सेंटर एटा। अब हम ये लिखा है प्रीवियस, प्रीवियस पर क्लिक करेंगे
इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल एस, और इसको हम डुप्लीकेट डुप्लीकेट वन, और इसको हम सेव कर देंगे। हम नया पेज लेंगे, हम रिव्यू टैब में ये लिखा है कॉम्बाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे ऑप्शन पर, तो ये हमारा कॉमन का बॉक्स ओपन हो गया है। इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस आर प्लस एम प्लस एम, ऑल्ट प्लस आर एम प्लस एम, ये हमारा कॉमन का डॉक्यूमेंट का बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें हम ओरिजिन फाइल ओरिजिन वन, और इसमें डुप्लीकेट वन रिवाइज डॉक्यूमेंट में डुप्लीकेट वन, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये लिखा है कॉम्बाइंड डॉक्यूमेंट, और ये लिखा है ओरिजिन डॉक्यूमेंट, नीचे है रिवाइज डॉक्यूमेंट जो हमने रिवाइज किया। अब हमें कॉम्बाइन करना है, कॉम्बाइन का मतलब होता है जोड़ना। पहले हम प्रीवियस करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस किया तो ये सिलेक्ट हो गया है। फिर से हम प्रीवियस करेंगे तो ये कर्सर ऊपर पहुंच गया है। फिर से हम प्रीवियस करेंगे तो ये समरी शो हो गई है, हमने क्या क्या रिवीजन किया है वो हमारे ये शो हो गए हैं। हमने डिलीट किया है वो शो कर रहा है, कमेंट दिया है वो शो कर रहा है, और हमने इसमें इंसर्ट किया है वो शो कर रहा है इसमें, और हमने डिलीट किया वो भी शो कर रहा है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, यहां से क्लोज ये दे रहा है, टैब को हमने डिलीट किया वो टैब शो कर रहा है यहां पर। हम नेक्स्ट करेंगे तब भी हमारा ये शो कर रहा है समरी। हम जिसको रखना है, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे जैसे हमने इसको हमें रखना है कॉमा करना है, ये लिखा है रिजेक्ट, ये लिखा है रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो ये हमारा जो ग्रीन था वो हट गया है। फिर से हम नेक्स्ट करेंगे अब ये ब्लॉक्स पे है, इसको हम रिजेक्ट किया हट गया यहां से, हमें रखना है। फिर से रिजेक्ट करेंगे या
ऑल करेंगे, जैसे हमने रिजेक्ट मूव करेंगे तो ये हमारा बोल्ड किया था वो हट गया है यहां से। अब इसमें हमने ये डिलीट किया है, इसको हमें रखना है, रिजेक्ट पे करेंगे, यहां से भी हट गया है। हमने डॉक्यूमेंट कमेंट किया है तो ये हमारा ये भी हट गया है। अगर हमें एक्सेप्ट करना है हमने स्टाइल को भी कमेंट दिया था, इसको भी हमें रिजेक्ट करना है, ये हमें रखना है या डिलीट करना है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है। अब रह गया है टैब, अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो ये हमारा हट जाएगा, तो इसको हम यहां से रिजेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारा शो हो गया है। ये हमारी, और हम इसमें लिखा है रिजेक्ट ऑल चेंज डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी है वो सारे इसमें हमारे शो हो गए हैं। अब ये सारे हमारे कंबाइन हो गए हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।